और दिस वन इज माई रूम, मतलब ये वाला मेरा रूम है। नाउ इट्स कप आ गया। 8 डिग्री 9 डिग्री क्या है ना, बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है, लेकिन फिर भी सहा जा सकता है। लेकिन और बिस्किट का पैकेट देखो, देखा ये सब बांग्लादेशी ब्रांड है जो इधर है, और मैं अभी ये अरब का एक ब्रांड है, और ये वाला पटाटो चिप्स से उठाएगा ये मेरे को। देखो रसगुल्ला इधर कैसे मिलता है, पहले तो हमारा इधर भी पहले ये चलता था जियो आने के पहले, लेकिन फिलहाल जियो आने के बाद ये सब चाटा भी नहीं रहा, ठीक है, ये हम लोग बहुत मिस। जैसे हमारा उधर रेस्टोरेंट की बाहर से बिरयानी का स्मेल आता है, ऐसे दूर से कॉफी का स्मेल आ जाएगा। और हमारा चाय पीने का अभी का मतलब अभी का जगह देखो, जुगाड़ देखो कैसा है, ऐसा जगह में रुक के चाय पीते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, माय नेम इज ऋतिक एंड यू गाइस आर वाचिंग रामिस वर्ल्ड। आज छुट्टी का दिन, बाहर जाने का बहुत शौक था, मतलब घूमने जाने का बहुत शौक था, लेकिन बारिश इतना जोर का हो रहा है ना, और साथ में मेरा कल नाइट शिफ्ट था तो थोड़ा नींद का कमी था, इसलिए दोपहर को सो भी गया था। ये दो मल्टीपल रीजन के कारण में अभी आज निकाला नहीं, तो आज सोचा मेरा कैंपस में मेरा शाम छुट्टी वाला शाम कैसे कटता है, ये थोड़ा एक कंटेंट बना के आप लोग को दिखाए। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा उम्मीद करती हूँ, तो ये वीडियो में जुड़े रहो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करो, दोस्त लोग के साथ शेयर करो, बहुत अच्छा लगे तो बेल बटन दबा के मेरा यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ, सब्सक्राइब करके मेरा यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो जुड़े रहो मेरे वीडियो में, बहुत कुछ आज दिखाने वाली हूँ। वैसे भी ये वाला वीडियो थोड़ा कैजुअल होगा, मतलब उतना शानदार कुछ नहीं दिखेगा, तो हर टाइम शानदार चीज़ तो दिखाते, आज नहीं तो थोड़ा कैजुअल चीज़ ही आप लोग को दिखाते। तो ब्लॉगिंग किट नहीं लिया, कैमरा भी नहीं लिया, आज पूरा मोबाइल से शूट होगा, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा बहुत ये हो सकता है, मतलब गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जो भी है दिखने को कुछ नया नया मिलेगा, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारा चीज़ ही नया दिखने को मिलेगा। तो जुड़े रहो मेरे वीडियो में और देखते रहो मेरा चैनल को। तो निकल गया रूम का बाहर, बारिश हो रहा है, और मेरा रूम से बाहर का नज़ारा है, ग्राउंड आप लोग देखो, ये देखो ये मेरा रूम का जो बाहर का नज़ारा है, मतलब हमारा कैंपस ऐसा है, ये बाहर का नज़ारा है, और आसमान में बादल अभी अभी है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये देखो और सामने जाएगा और आप लोग को दिखाएगा हमारा कैंप का नज़ारा कैसा है, मतलब हमारा कैंपस का नज़ारा कैसा है, ठीक है। दिस वन इज बाथरूम, और ये सब एग्जॉस्ट है, और ये देखो मेरा घर का ठीक सामने ही, मतलब मेरा रूम का ठीक सामने ही ऐसा एक फूल का पेड़ एक कोई लगाया था, मतलब मेरा पहले जो रहता था वो शायद कुछ लगाया था, और ये देखो तुलसी, ये भी है मेरे घर के बाहर, जो कि इधर बहुत रेयर है, दिखता नहीं। और ये हम लोग का जूता का शेल्फ है, फिलहाल आज बारिश हो रहा है तो थोड़ा जूता ना ये घर के नीचे ही घुस गया, ये वो देखो जूता जो भी है, चलो दिखाते सराउंड एरिया कैसा है। सबसे पहले ना मैं आप लोग को बाहर का एक 360 राउंड दिखाऊंगी। आसमान देखो ना, बादल है आसमान पे, देखा बहुत बादल है आसमान पे, हमारा कैंपस का गली थोड़ा बहुत ऐसा दिखने को लग रहा है आज, ठीक है। देखो मैक्सिमम घर का एसी हॉट मोड में चल रहा है अभी, क्योंकि बाहर ठंडा बहुत ज्यादा है और हवा ना बहुत जोर का चल रहा है, तो मैक्सिमम घर में अभी एसी हॉट मोड में चल रहा है, और क्या, चलो आगे जाएगा और आगे बहुत कुछ दिखाएगा। ये देखो कोई कंबल इधर लगा के ड्यूटी में चला गया शायद, इसका कंबल कोई उठाया नहीं, पूरा भीग गया, अभी रात में बेचारा क्या करेगा कौन जाने, और जो भी है चलो दिखाएगा अभी वीडियो में डिटेल्स में बहुत कुछ चीज, जुड़े रहो मेरा वीडियो में, देखते रहो। ये देखो ये ठीक मेरा गली का पीछे है, मतलब रूम का पीछे वाला नजारा, और दिस वन इज माय रूम, मतलब ये वाला मेरा रूम है। आज रूम दिखाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, रूम दूसरा कोई एक दिन दिखाएगा वीडियो में, फिर उस दिन करेगा रूम टूर, दिखाएगा रूम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है और बाकी सब कुछ दिखाएगा,
जो कि बहुत लोग अभी तक मेरा बहुत दोस्त लोग बोला भी, लेकिन टाइम नहीं मिला और साथ में मौका नहीं मिला, ठीक है। और रूम वालों के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है ना, जो भी है। चलो और दिखाएगा हमारा कैंप का नजारा और इधर बारिश होने में कैसा दिखता है। देखो बारिश होने में पानी कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन तो क्या है ना फिर बारिश चालू हो गया और मैं विदाउट मेरा ब्लॉगिंग किट ऐसे ही अकेला निकल पड़ा, ठीक है। कि आज दिन है, शाम को थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने का था, लेकिन कल मेरा नाइट शिफ्ट था और आज मेरा छुट्टी है, लेकिन कल फिर सुबह मेरा मॉर्निंग शिफ्ट, तो इसलिए छुट्टी का दिन छोटा हो गया। और दूसरा बात क्या है, सुबह से इतना बारिश हो रहा है, मतलब कभी भी बारिश चालू हो रहा है, तो इसलिए और ब्लॉग बनाने को निकलने के लिए मेरा पास मतलब मौका नहीं मिला, क्योंकि वेदर बहुत ये है ना, टेम्परेचर थोड़ा लो चल रहा है, मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर अगर मैं बारिश में भीगेगा तो ऐसे ही तबीयत खराब है और तबीयत खराब हो जाएगा, इसलिए आज मैं निकल नहीं पाया। अभी शाम का टाइम चल रहा है, शाम का टाइम मैं सोचा कि मेरा कैंपस थोड़ा आप लोग को दिखा देते हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारा दोस्त के साथ शुरू करके फैमिली मेंबर से शुरू करके बहुत आदमी बोला कि उधर कैसा है, कैसा दिखता है सब कुछ, तो हम दिखाएगा, ठीक है। तो बने रहो मेरा वीडियो में और दिखते रहो, क्या क्या नया देखने को मिलता है कमेंट करके जरूर बताना। तो दिस वन इज रूम, ऐसा रूम मेरा भी है और इधर ना सब रूम ऐसा है। ये है टॉयलेट्स, ठीक है। दो रूम में टोटल चार रूम होता है, मतलब ऐसा एक रूम में ना टोटल चार रूम्स होता है और चार रूम्स के सामने ही ऐसा एक टॉयलेट रहता है। और इधर से इधर नजर हटाएगा तो दिस वन इज साइकिल पार्किंग, ठीक है, जो कि देखने को ऐसा है। और आप चाहो तो इसके अंदर अपना साइकिल का चक्का घुसा के लॉक भी कर सकते हो, ये फैसिलिटीज भी है। और इधर से थोड़ा कैमरा ऐसा घुमा है तो वो देखो, ये गाड़ी पार्किंग है ना, तो इधर बहुत सारा गाड़ी हम लोग का रहता है। और दिस वन इज द बास्केटबॉल एरिया, इधर कभी बास्केटबॉल भी खेलता है और कभी वॉलीबॉल भी खेलता है। देखो दो पिच है, सामने वाला वॉली पिच है और दूसरा वाला जो कोर्ट है वो बास्केटबॉल का कोर्ट है, और रात में लाइट का कमी नहीं होता इधर। तो बारिश तो फिर चालू हो गया, इसलिए मैं ना ये टोपी लगा लिया, ठीक है। और मैं अभी इधर से ही जा रहे हैं, मैं अभी थोड़ा वकाला जाएगा। अरबिक में ना कोई भी शॉप को या सुपरमार्केट को वकाला बोलता है, तो इधर आके आप बोलेगा कि दुकान में जाएगा तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए वकाला वर्ड ही यूज करना पड़ता है। तो मैं अभी इधर से वकाला जाएगा और वकाला में जाके थोड़ा गरम गरम चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह खाएगा, ठीक है। जुड़े रहो मेरे वीडियो में और देखते रहो हमारा इधर का छुट्टी का आफ्टरनून कैसे कटता है। वैसे भी चाय का दुकान तो इधर है नहीं, बहुत ढूंढने के बाद ही थोड़ा मिलता है। और हमारा कैंपस के अंदर एक दुकान है, वो भी मशीनरी चाय उससे मिलता है। तो चलो दिखाते, देखो ये और एक कोर्ट है, इसमें बैडमिंटन का कोर्ट है, लेकिन फिलहाल अभी ये बंद है। और उधर जाएगा ना, उधर बास्केटबॉल का है, दिखाते हैं। और ये जो दिख रहे हो ये है बास्केटबॉल का कोर्ट, फिलहाल ये बहुत मेंटेन्ड वेल मेंटेन्ड रहता है, लेकिन क्या है ना बारिश की वजह से सब उल्टा पुल्टा हो गया। ये कंट्री में ना एक दिन भी बारिश हो जाए तो 20% चीज डैमेज हो जाता है, क्योंकि बारिश तो इधर होता नहीं ना, साल में एक बार दो बार होता है, लेकिन ये साल में ना मतलब 2023 का शुरू से अभी इधर बारिश तीन चार बार दिखने को मिला। अभी आज 14 या 15 तारीख है शायद, तीन चार बार देखने को मिला, लेकिन इतना बारिश होता नहीं। और ये देखो ये फुटबॉल का ग्राउंड, उधर एक अच्छा बार पोस्ट, ये है फुटबॉल का एक ग्राउंड। ऐसे ग्राउंड एमवॉच का कैंप्स के अंदर ना बहुत है। तो अभी आने के टाइम में ये एक मेरा आग के सामने आ गया, तो एक आपको दिखा दिया। और देखो ओ इधर भी बहुत गाड़ी है, फर्स्ट शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जो सब गाड़ी ड्यूटी में हम जैसा लोग को लेके गया था, सब गाड़ी अभी आ गया, 3 बजे उसका शिफ्ट खत्म हो गया। अभी तो आफ्टरनून का 5:30 बजे है, ठीक है। और दिन भी बहुत बड़ा हो गया, कि पहले दिन बहुत छोटा था, मतलब
5:30 ना शाम हो जाता था, लेकिन अभी शाम नहीं होता, अभी दिन बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए थोड़ा मतलब अभी भी ये है, लाइट है। अभी देखो वकाला के पूरा अंदर, और मेरे को कुछ सामान खरीदना है, मतलब तो वही लेने के लिए आया। देखो इधर वाटर ड्रम्स ऐसा होता है, कोल्ड ड्रिंक सेक्शन ऐसा इधर है, मतलब मेरा कैंपस के अंदर का एक छोटा सा वकाला है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो स्टॉक देखो इधर, देखो सब सैंडविच से लेकर शुरू करके नमकीन से शुरू करके मफिन से शुरू करके इधर बहुत कुछ है। बादाम देखो इधर ऐसा मिलता है, ये लड्डू है, ये केक है, ये इधर का लोकल बेकरीज का बिस्किट है। देखो बिस्किट कितना महंगा है, 6 पीस बिस्किट 3.5 रियाल, देखा ये देखो दाम है इधर इसका 3.5 रियाल, मतलब बहुत हो गया भाई। जब ये हमको जो खरीदना है हम लेके जाते हैं। इधर देखो थोड़ा बहुत कंबल और जूता का भी सेक्शन है, ये भी फुल्ली एसी कवरेज एरिया है, क्योंकि गर्मी में ना बहुत गर्मी पड़ता है। फायर एक्सटिंग्विशर भी है इधर, जो भी है चलो देख। अभी मेरे को ये चाहिए सोइंस पफ राइस, जो कि बंगाली में मुड़ी बोलता है, बहुत फेमस है और टाइम पास बहुत अच्छा होता है इसे। ये कितना है थोड़ा देखना पड़ेगा, 6.5 का है, ये भी 6.5 का है। ये वाला जो ग्रीन कलर का है ना, ये बहुत खाया अभी इस बार। ये येलो कलर का जो है, ये थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। देखो टोपी का सेक्शन है इधर, कंबल है इधर, साबुन देखो, ये सबसे सस्ता साबुन है इधर का, 2.5 रियाल का है, ठीक है। साबुन ऐसे बहुत मिलता है। देखो अभी इधर का पहचान का जो ब्रांड्स है इंडिया का, ये एक ही ब्रांड है टाइड, अदरवाइज कोई ब्रांड आप लोग पहचानते नहीं हो शायद। ये सब डिटर्जेंट पाउडर है, ये देखो, सो इंडिया में ये सब ब्रांड नहीं रहता। ये जो है ये निरमा नहीं, निरिमा है, ये भी अलग कुछ है। लेकिन साबुन का ब्रांड बहुत अच्छा पहचानने में आता है, ये चंद्रलेखा सॉरी चंद्रिका, ये डेटॉल, सिंथॉल, ये सब इंडिया में दिखने को मिलता है, प्यार्स, तो ये सब है इधर, ठीक है। सोनी सुजाला, ठीक है। इधर देखो इधर भी बहुत सारा, बारिश में ना थोड़ा पोटैटो चिप्स मजा आ जाता है, ठीक है। ये देखो प्राण बांग्लादेशी सामान इधर बहुत, और नूडल्स भी बहुत स्टॉक है नूडल्स का, मतलब फिलिपिनी लोग ना बहुत नूडल्स खाता है, तो इसलिए नूडल्स का स्टॉक एक से बढ़िया, एक एक ब्रांड इधर आपको दिखने को मिलेगा, एक से एक अलग अलग फ्लेवर आप लोग को दिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है सब, लेकिन मेरा फ्लेवर से थोड़ा बाहर है, वो सब मेरे को चाहिए नहीं। तो खाने के लिए रसगुल्ला एकदम बेकार है, और वो भी बहुत साइज में छोटा छोटा। तो काला जाम ये है इधर देखो, देखने को तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन खाने में इतना बेकार लगता है ना, क्या बोले। पहला पहला खाया था, लेकिन इतना बेकार टेस्ट है, तो अभी खरीदता नहीं, बेकार लगता है। बट ब्रेड का स्टॉक देखो, बहुत टाइप का ब्रेड, बर्गर ब्रेड, हॉट डॉग्स का ब्रेड, ऐसा नॉर्मल टाइप्स का ब्रेड, बहुत टाइप्स का ब्रेड मिलता है। और चलो अभी आइसक्रीम दिखाते हैं, ये देखो ये आइसक्रीम सेक्शन से सब उल्टा पुल्टा ब्रांड्स है, मतलब पहचानोगे नहीं आप लोग। केवी, डैंडी, ये सब नाम का सब ब्रांड्स इधर बहुत ज़्यादा चलता है। इंडिया में अमूल जैसा फेमस है ना, इधर डैंडी बहुत फेमस है, बहुत चलता है डैंडी। डैंडी इधर का ही कोई कंपनी है, ये देखो सब कैंस वगैरह मिल जाता है। इधर थोड़ा ऐसा आइसक्रीम्स का और सेक्शन आपको दिखाएगा, देखो इधर देखो ऐसा ऐसा बहुत आइसक्रीम्स है। चाय गिर रहा है, ऐसा रेडीमेड चाय ही इधर मिलता है, देखो भर गया कप, अभी ये लेके ऐश करना पड़ेगा बाहर जाके, ठीक है। चलो पीते हैं बाहर जाके चाय, गरम गरम चाय, और सामान भी ऐसा पैकेट हो गया। और एक खास चीज आप लोग को दिखाते हैं, देखो इधर देखा इतना सारा बैनर्स लगा हुआ है। इधर ना दो ही सिम कार्ड चलता है, एक वोडाफोन का एंड अनदर वन इज ओरिडो बोल के एक कंपनी है, वो है।
तो ये वोडाफोन ओडिडो का कैसा कैसा प्लान है, वो प्लान का मतलब सब कुछ लिखा रहता है देखो, और बाहर का नजारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिलहाल ये तो कार पार्किंग करने का जगह है, लेकिन वकाला का सामने है इसलिए कोई पार्किंग नहीं करता। तो पार्किंग करेगा ना तो बहुत डैमेज हो जाता है गाड़ी का, तो इसलिए कोई इधर गाड़ी पार्किंग करता नहीं, ये खाली रहता है। और बारिश मारिश होता है तो हम लोग इसके नीचे बैठ के चाय पीते। अदरवाइज ये सामने देखो कितना अच्छा मैदान है, ये जो घास दिख रहे हो ये ना पूरा बालू के अंदर लगाया हुआ घास, और इतना डेकोरेट करता है मतलब इसको इतना मेंटेन करता है, इतना मेंटेन तो इधर मेरे को भी कोई नहीं करता जितना ये घास लगाने में मेंटेन करता है। हर दिन दो बार तीन बार करके पानी देता है, कटिंग करता है टाइम टू टाइम, बहुत सारा मेंटेनेंस ये घास के पीछे चलता है। ठीक है, दिस वन इज द कप ऑफ टी। और बाहर बारिश है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा मतलब दबाव के गिरा है यार। और ये चाय का चुस्की का जो स्वाद है ना, क्या बोले बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ये इधर टी, मतलब कॉफी बहुत मिलता है लेकिन कॉफी ज्यादा खाने से ना शरीर गर्म होता है और नींद एकदम नहीं आता। कॉफी ना इधर बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कॉफी मिलता है, मतलब कॉफी सीड्स वो डस्ट करके इधर स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाता है, कॉफी का खुशबू दूर से आपको पता चल जाएगा, बहुत स्ट्रांग है। तो कॉफी पीने के बाद ना सही से नींद भी नहीं होता और सारा दिन शरीर बहुत गर्म रहता है, तो इसलिए कॉफी मैं ज्यादा नहीं पीता। चाय ऐसे भी, चाय के साथ मेरा एक लगाव है, पहले भी 5 रुपये का चाय पीने के लिए 100 रुपये का गाड़ी का पेट्रोल खर्चा किया, और वैसे भी थोड़ा लगाव हो गया चाय के साथ हमारा यंग जनरेशन का, और अभी भी वही जुड़ा है, इसलिए चाय पीने का ना दिल बहुत ज्यादा करता है। तो चाय पीना खत्म, और बारिश और जोर से चालू हो गया, तो अभी बाहर रह के फायदा नहीं है, बाहर जितना रहेगा ना उतना ठंडा ज्यादा रहेगा, और ठंडा जितना ज्यादा लगता है ना उतना तबीयत बहुत खराब होता है, क्योंकि हमारा इंडिया जैसे वेदर इधर नहीं है कि उधर ना बारिश में कितना बाइक राइड किया, टोपी और मफलर के बिना ही कितना बाइक में चलाया, कितना हवा खाया, लेकिन फिर भी कभी तबीयत खराब नहीं होता। लेकिन इधर का वेदर ना एकदम फालतू है, मतलब थोड़ा भी इधर उधर होगा ना झटक से तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, और अभी भी मेरा पिछला बार तबीयत खराब हुआ था, कान में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है मेडिकल से आने के बाद भी, मतलब इधर वेदर इतना चेंज होता है, कभी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाता है अचानक से ना बहुत कम हो जाता है, कभी बहुत पसीना आता है तो कभी एकदम भी पसीना नहीं आता, कभी एयर प्रेशर जो है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ नहीं होता, और कभी एयर प्रेशर ना एकदम कम हो जाता है तो बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और सांस लेने में ना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बुजुर्ग या बूढ़ा टाइप्स का कोई आदमी इधर रहता है तो उस टाइम ना उसका बहुत प्रॉब्लम होता है, खास करके जो लोग का ब्लड प्रेशर ज्यादा है और क्या बोलता है उसको आपका शुगर मुगर का बीमारी है। ठीक है, उस लोग के लिए ना और बहुत मुश्किल होता है ये, तो जो जब हवा चलता है ना जोर से और साथ में एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, अभी फिलहाल ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, बारिश हुआ ना इसलिए ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, तो ये वेदर में ना विदाउट एसी मतलब नॉन एसी बाहर रहना थोड़ा दिक्कत है, और ज़्यादा बात करेगा ना मतलब चिल्ला के ज़्यादा बात करेगा या फिर दौड़ फौड़ के, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो सांस लेने में थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है, तो इसलिए ज़्यादा दौड़ेगा नहीं। ठीक है, मतलब बहुत स्मूथली रूम आ गया, अभी अंदर जाएगा रूम का और दवा के चिप्स लेके आया, चिप्स दवा के खाएगा। ठीक है, तो भी है मैं अभी मेरे घर का तरफ ही जा रहे हैं और मेरा घर वाला गली मिल गया। तो आज का शाम कैसा था, इधर का शाम दिखने को कैसा लगता है, मैं आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर किया, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ भी आप लोग को देखने को मिला। ठीक है, तो मिलेगा दूसरा दिन और एक वीडियो लेके और एक ब्लॉग लेके मेरा चैनल में, उनका हर एक वीडियो देखते रहो और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के मेरा यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ, और बाय बाय टाटा, फिर मिलेगा दूसरा एक दिन।